अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है जी नुमान, और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया वो है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से स्टूडेंट्स की डेट शीट अनाउंस्ड कर दी है। स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड, अपने पेपर की तैयारी करें क्योंकि आप लोगों के पेपर्स अब आ चुके हैं। चलें आपको लिए चलता हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको डेट शीट दिखाऊँगा और उसके मतलब तमाम तफसील बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं जी। तो जनाब अभी हमने एक ब्राउजर को ओपन किया है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ओपन करेंगे वेबसाइट को, विच इज़ कल भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सिखाया था, www.pu.edu.pk, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट को हमने ओपन किया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन किया, हमारे पास ये मेन पेज ओपन हुआ, आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक हो गया जी। ये हमने जनाब ओपन कर लिया पेज। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जी एग्ज़ामिनेशन में। इसको जब हमने ओपन किया एग्ज़ामिनेशन वाले पेज को, तो इस तरह का एक नया पेज खुल के हम लोगों के सामने आ गया जी, ठीक है। अब आप इस साइड पर देखें तो एग्ज़ामिनेशन और इस ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट शीट को हमने क्लिक किया। ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हुआ। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले को पढ़ें, डेट शीट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ BA BSc एसोसिएट डिग्री आर्ट्स एंड साइंस पार्ट टू एनुअल 2020 विल बी हेल्ड ऑनलाइन। ये जनाब ऑनलाइन का जहाँ पे जिक्र आया, इन अगस्त टू सितंबर 2020, यानी कि आपके अगस्त से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अब 5 अगस्त से, कल भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था एक वीडियो में, और ये सितंबर तक आपके पेपर चलेंगे। तो चलें हम इसको क्लिक करते हैं, हम ज़रा डेट शीट पे जाते हैं। अगला पेज आ गया जी। उन्हें बोला डेट शीट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ BA BSc एसोसिएट डिग्री आर्ट्स एंड साइंस पार्ट टू विल बी हेल्ड ऑनलाइन अगस्त 2020, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। हम यहाँ से डेट शीट पहले डाउनलोड कर लेते हैं जी। ये जनाब कुछ इस तरह का नया पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा, और ये आपके सामने आ गई आप लोगों की डेट शीट। ये तकरीबन उसने स्टार्ट पे ही बोल दिया, नोटिफिकेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नोटिफाई दैट द डेट शीट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ BA BSc एसोसिएट डिग्री आर्ट्स एंड साइंस पार्ट टू एनुअल 2020 हेल्ड ऑन सितंबर टू दिस, ठीक है। ये उसने डेट अभी अनाउंस कर दी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये साथ लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, डेट लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा हुआ है, इवनिंग मॉर्निंग और पेपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे सेम ऐसे ही है, फिर ऐसे ही और फिर ऐसे ही है। ये जो पार्ट्स लिखे हुए हैं इनको मैं अलग अलग से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आप ज़रा देखते जाएँ, ठीक है जी। अब देखें जी, देखें सबसे पहले पहला लिखा हुआ है 5 अगस्त 20 तारीख, ठीक है, 2020, 5 अगस्त 2020। पेपर के डे है जी वेडनेसडे। मॉर्निंग में पार्ट टू अप्लाइड साइकोलॉजी, पार्ट टू इवनिंग टू पेपर A और B। 6 अगस्त थर्सडे, यहाँ पे मॉर्निंग में पेपर नहीं है और इवनिंग में ग्रुप 4 का पेपर है। 7 अगस्त फ्राइडे को एस्ट्रोनॉमी, होम इकोनॉमिक्स, कश्मीरियात, जियोलॉजी, स्टैटिक्स यानी सोशल वर्क, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, उर्दू, ये जो है ऑप्शनल ग्रुप हैं, और पार्ट टू के लिए भी सेम ऐसा ही है, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी, 8 अगस्त को जनाब आपका जियोग्राफी का पेपर है सैटरडे को, उसके अलावा जोलॉजी का 9 अगस्त को है, उसके अलावा जनाब इसी में आगे चलते जाएं तो ये जो मैथमेटिक्स है इसमें, और इंटरनेशनल रिलेशंस है, वुमेन स्टडीज़ है, अरेबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, और इस तरह से ये यानी कि डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से ना ओवरऑल डेट शीट है ये जो, ठीक हो गया। उसके बाद 10 अगस्त मंडे वाले दिन आपका ऑप्शनल ग्रुप्स, ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर होता है। उसके अलावा जनाब आगे देखते हैं जी, यहाँ पे आप देखते जाएं 10 अगस्त 11 12 13 14 15 16 17 18 18 अगस्त तक ये जनाब आपके यहाँ पे पर्शियन, उसके अलावा ऑप्शनल फाइन आर्ट्स का पेपर है, जेनेटिक्स के पेपर हैं, बॉटनी के पेपर हैं, जॉलोजी इंग्लिश के पेपर हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स चल रहा है, इस्लामिक स्टडी है। इसके अलावा आगे अब चलते हैं जी इसके सेकेंड पेज की तरफ। सेकेंड पेज पे देखें जी, 19 अगस्त 20 अगस्त 21 22 23 24 25 26 27 31, ये जनाब यहाँ पे आपके पेपर, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 1 2, इंग्लिश लैंग्वेज केमिस्ट्री का पेपर है, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर स्टडीज़ है,
साइकोलॉजी का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है इस तरह से, और 2 सितंबर आ गया जी जनाब यहाँ पे आपका। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके बायोकेमिस्ट्री के पेपर है, नोट नीचे दिया हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं। देर विल बी 4 ग्रुप्स इन ईच डे विद ईच ग्रुप हैविंग द 1:30 यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होगा हर ग्रुप के लिए। फर्स्ट ग्रुप विल बी 8 टू 10, पहला ग्रुप 8 से 10 तक होगा, सेकंड ग्रुप 11 से 12.5, थर्ड ग्रुप जो है वो 2 से 3.5 तक हो, फोर्थ ग्रुप जो है 4:30 से 6 तक होगा। द पेपर ऑफ बॉटनी केमिस्ट्री जोलॉजी जेनेटिक्स फाइन आर्ट्स विल बी 45 मिनट्स ड्यूरेशन। ठीक हो गया जी, ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपके 3 ग्रुप्स 4 ग्रुप्स जो कि पेपर में बनेंगे, तो 4 ग्रुप जो बनेंगे ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी जनाब इस चीज़ को दिखा देता हूँ। ये देख लें आप, उन्होंने बोला है कि देर विल बी 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स बनेंगे एक दिन में पेपर के लिए, ऑनलाइन पेपर की बात हो रही है। फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम 8:30 टू 10 यानी कि 8:30 से 10 तक पहला ग्रुप होगा, 11 से 12.5 दूसरा ग्रुप होगा, 2 से 3.5 तक तीसरा ग्रुप होगा, और 4:30 से 6 तक चौथा ग्रुप होगा। ये तो जनाब हमने डेट शीट को बड़ी तफसील से पढ़ा और आपको तकरीबन मैंने सारी चीज़ें इसकी बता दी। अब ज़रा बात एक और कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कुछ लोग वो हैं ना जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे, ठीक है जी। सो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया रखा है कि वो अभी तक अपना वो जो ऑनलाइन पेपर के लिए रिक्वायरमेंटल फॉर्म वगैरह थे वो फिलअप ना करें, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और उनको बताएं कि हम लोग जो हैं वो पेपर में रेगुलरली अपीयर होना चाहते हैं, जैसे कि मतलब हम लोग पिछले साल या इससे पिछले साल या जैसे हम लोग पहले पेपर देते रहे हैं वैसे हम पेपर देंगे। सो यूनिवर्सिटी आप लोगों को मज़ीद गाइड कर देगी। तो ये तो था जनाब आज की वीडियो का सम अप, यानी मैंने आप लोगों को इसमें एग्जामिनेशंस के बारे में बताया यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी स्टूडेंट्स के हवाले से, और इनकी जो डेट शीट अनाउंस की गई है उसके हवाले से। होपफुली आप लोगों ने जो है वीडियो को पसंद किया होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा, आपको डेट शीट जो है उसको चेक करने उसको डाउनलोड करने का मेथड भी समझ आ गया होगा। सो जनाब ये तो था आज का आप लोगों के साथ कुछ वक्त जो हमने गुजारा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह निगरानी।